ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो या चेकिंग माय माइक, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। जी हाँ, सबसे पहले हम ब्लेसिंग से ही शुरू करेंगे। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये देख लेते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओ सो भगवान यहाँ पे गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु। जी हाँ, ओके। सो कैरियर ऑफ विष्णु, जी हाँ, डिवोशन डिवोशन टू गॉड। गॉड जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, दैट इज डिवोशन टू गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स। ठीक है, कि आपको भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फॉल्स काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपके अराउंड लोग हैं एंड आपका बुरा सोचते हैं, पीपल ट्राइंग टू मैन्यूपुलेट यू, आपको मैन्यूपुलेट करना चाह रहे हैं, चीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी उस फेवर में आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग। और अगर आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भी भगवान आपको मतलब आपकी केयर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, एंड इन सम वे यू आर कनेक्टिंग टू गॉड। ठीक है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जो आपका डिवोशन है वो भक्ति, भक्ति कोई भी किसी भी वे में कह लीजिए, आप जिनको भी बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो मे बी यू आर कनेक्टिंग, ठीक है, विद द एनर्जी। और सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही अच्छी होती है, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। एंड इसमें हो सकता है आपके लिए कि भगवान आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज इन अ वे कि वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं आने वाले समय में। तो आगे बढ़ते हैं विद योर लव लाइफ एंड करियर कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा? तो लव लाइफ में सिचुएशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सिचुएशन सीम्स लाइक आप, हो सकता है कि किसी का मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट यू आर कनेक्टिंग और थिंकिंग अबाउट, कोई है पास्ट में से, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में सोच रहा है, ऐसी सी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। ठीक है, हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन है, या कोई आया था, कोई चला गया, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि क्या है, क्या मुद्दा क्या है, देख लेते हैं। तो कैंसेरियंस के लिए या टावर मोमेंट, जो हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट दैट यू मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज समथिंग हिडन, टॉक्सिक, हिडन इन द सेंस कि क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आपके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं बता रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। सो लॉट ऑफ हिडन इमोशंस मुझे लगता है, और आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ट्राइंग टू नो। और एंड ऑफ कोर्स एक डिफेंसिव मोड में है, यू हैव दैट फायरी एनर्जी एज वेल। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ड्रॉ होते हैं, बट स्टिल एक इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, मतलब होपलेस, गिविंग होप, दे आर अवॉइडिंग, रेजिस्टिंग, जो भी कह लो, एक स्ट्रगल सी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उनको ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, व्हाट दे एक्चुअली फील अबाउट यू इस मे बी उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, बट नाउ वो जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं, या बिटर हो गए हैं, मतलब चेंज हो गए हैं। बिटर इन द सेंस कि
समथिंग हैज चेंज, लिटरली कुछ तो चेंज हो गया है. बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस से, जो कि हाँ कह सकते हैं कड़वाहट में थोड़े से, या यू नो कोल्ड एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है. ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उस सिचुएशन में है कि वो आपकी तरफ कोई स्टेप उठाए. एंड अगर कुछ है भी तो हाय हेलो हाउ आर यू ऑन ऑफ, ठीक है. तो ऑन ऑफ आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है, हो सकता है आप स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, यू नो देयर पिक्चर और एनीथिंग, और दे आर चेकिंग योर स्टेटस, दैट्स इट. इससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा इन दिस सिचुएशन, ठीक है. बिट्रेयल्स दिखाई दे रहा है, बिट्रेयल. सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? न्यू कनेक्शन, इफ यू आर टोटली सिंगल, अ न्यू गुड कनेक्शन इन द सेंस हेल्दी कनेक्शन. मतलब कोई हो सकता है आपको अप्रोच करे विद ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ठीक है. तो वो हो सकता है ऑफकोर्स, अगर आप चाह रहे हैं तो. बाकी सबके लिए मुझे ऐसे लगता है कि वो कम कॉम्प्लिकेटेड है, ऑन ऑफ सिचुएशन है. चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम फॉर ऑल द कैंसेरियंस. सो चेंज, सडन चेंज. आई थिंक आप अपनी किसी प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि गेटिंग थ्रू समथिंग, अ चेंज, अ शिफ्ट, वर्किंग ऑन समथिंग. हो सकता है कोई ट्विस्ट, या हो सकता है कि टोटली पाथ चेंज इधर उधर. तो आप चूज करेंगे कि वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, ठीक है. तो हो सकता है कि आप जहाँ हो वहाँ आप हैप्पी ना हो, सो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ दैट. या आपको लग सकता है कि नहीं, यू एक्सपेक्ट समथिंग रियली गुड, तो यू येस द ग्रोथ. ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स ग्रोथ, ठीक है. हर कोई चाहता है उनकी लाइफ में वो ग्रोथ आए, तो वो उस तरफ आप बढ़ सकते हैं. तो वो अच्छी एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि शायद वर्क प्लेस पे यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, देयर इज सम यू नो कुछ मैन्यूपुलेशंस हैं, कुछ है यू नो, तो उसमें भी आपको, उसमें से भी आप निकलना चाहते हैं. बट ऑफकोर्स वो री इवेल्यूएट सोच रहे हैं. कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि कैसे ग्रो करें, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि हाउ टू यू नो एक्सपैंड, टेक इट फर्दर. अब ये हो गया रिलेशनशिप और करियर की बात. अब हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है. एनर्जी वाइज अगर हम बात करें, एनवी मतलब जेलेसी, ठीक है. सो आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस. देखिए अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट आप पूरे इंसान हैं या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं. एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि समटाइम्स, जरूरी नहीं है हर बार, लेकिन कभी कभी इंसान बहक जाता है, या होता है कि ना दूसरों को हम देखने लग जाते हैं, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, ये है, वो है, यू नो. तो उस चीज़ में से निकल जाइए, वो मत सोचिए कि उनकी लाइफ में तो अरे ये है, मेरे मेरे क्यों नहीं है. ये वाला ये चीज़ आपने बिल्कुल अपने माइंड में नहीं रखनी है, ठीक है. एंड ये सोचिए कि जो एनर्जी यू नो इट्स कॉमन, सोर्स वही है, ठीक है. लाइट वहीं से आ रही है, सोर्स वही है, ठीक है. तो आई एम सेम एज एवरीबडी, तो वो वही चीज़ है बट विद डिफरेंट चैलेंजेस. हर किसी की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, अपनी अपनी सबकी लाइफ होती है और चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. यू हैव टू यू नो अंडरस्टैंड दैट. और जब आप ये सोच लेंगे, ये समझ जाएंगे कि हाँ कि उनकी लाइफ में अपने चैलेंजेस हैं, आपके अपने हैं, तो कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी. कहीं आप कोई जेलसी नहीं फील करेंगे, ठीक है. एंड यू विल फील कनेक्टेड. डिनाइल जोन, आई एक्नोलेज माई फियर. हो सकता है कोई फियर्स हैं, ठीक है. आई एक्नोलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस. एक अवेयरनेस, ठीक है, कि आपको पता है आपके अपने एक फियर्स हैं, ठीक है, बट यू रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस. तो आप उसको उस चीज़ को बदल रहे हैं, अपने फियर को स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं, ठीक है. और जब स्ट्रेंथ फील होती है तो फिर आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, और उससे क्या होता है कि आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप उस छोटे दायरे से निकल के अपनी लाइफ में और बहुत कुछ करते हैं, राइट. सो यस, दिस इज द रीडिंग, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. गाइडेंस सीख लेते हैं एट द एंड फ्रॉम द एंजल्स. एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं. एंजल्स कह रहे हैं कि कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है, और डोंट पैनिक, और उस हार्ट ब्रोकन शैटर्ड एनर्जी में से बाहर निकलिए.
जो चीज आपको चाहिए वो अंदर आपके ही है, मच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है? तो जो भी चल रहा है, जो भी जिस चीज के भी थ्रू निकल रहे हैं, वेदर इट्स अबाउट हार्ट ब्रेक और चैलेंजेस और कुछ भी, वो आपको बेहतर बनाने के लिए है, वो आपको एक मेच्योर पर्सन बनाने के लिए है, ठीक है? आपको वो मिरर दिखाने के लिए है और आपका फुल पोटेंशियल पहचानने के लिए है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।